नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मस्सों को खत्म करने के कुछ उपयोगी घरेलू नुस्खे और कुछ उपाय। दोस्तों, मस्से पेम्पलोना वायरस की वजह से होते हैं। पेम्पलोना वायरस जब शरीर में दाखिल हो जाता है तो छोटे खुरदुरे एवं कठोर पिंड का निर्माण होने लगता है, जिन्हें मस्सा भी कहा जाता है। मस्से होने पर किसी की सुंदरता में मानो दाग ही लग जाते हैं। पहले के ज़माने में मस्से अधेड़ लोगों को ही होते थे, लेकिन आज के समय में यह युवाओं को भी होने लगे हैं। वैसे तो मस्से होने पर कोई दर्द नहीं होता है और न ही आपको कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ भी कहो, यह देखने में बहुत अजीब लगते हैं और आपकी खूबसूरती को बदसूरती में बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसे घरेलू नुस्खे और उपाय जिनकी मदद से आप इन मस्सों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका आता है कि अरंडी के तेल को मस्सों पर आपको लगाना है। इससे क्या होंगे कि एक तो इससे आपके जो मस्से हैं वो नर्म पड़ने लगेंगे, और जैसे वो नर्म पड़ने लगेंगे धीरे धीरे करके झड़ जाएंगे। दोस्तों, अरंडी के तेल की जगह आप कपूर के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह भी मस्से ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा केले के छिलके का अंदरूनी हिस्सा मस्से पर रखें और उसे पट्टी से बांध लें। इस उपाय को दिन में दो बार करें और यह उपाय आपको तब तक करना है जब तक कि मस्सा खत्म नहीं हो जाता है। इसके अलावा ताज़ा मौसमी का रस मस्सों पर अगर लगाते हैं तो मस्से खत्म होने लगते हैं। आप इस उपाय को दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। दोस्तों, मस्सों पर नियमित रूप से प्याज के स्लाइस को मसलते रहना चाहिए, इससे भी मस्से दूर होने लगते हैं। इसके अलावा कच्चे लहसुन को मस्सों पर लगाएं और उस पर 1 हफ्ते के लिए पट्टी बांध दें। 1 हफ्ते बाद पट्टी खोलने पर आप देखेंगे कि मस्से गायब हो चुके हैं। 1 प्याज के रस को नियमित रूप से दिन में 1 बार मस्सों पर जरूर लगाएं। इस उपाय को अजमाने से मस्से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हरे धनिया का आपको पेस्ट बनाकर मस्सों पर लगाना है, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। एलोवेरा जेल को मस्सों पर अगर आप लोग लगाते हैं तो मस्से धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अगला उपाय है कि एस्पिरिन की गोली को पानी में घोलकर एक पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को मस्सों पर लगाना है। ऐसा कुछ दिनों तक करने से मस्से की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। और दोस्तों, बरगद की पत्तियों का रस मस्सों पर अगर आप लोग लगाते हैं तो फ़ायदा होता है। बरगद के पत्तों का रस त्वचा पर लगाने से त्वचा सॉफ्ट हो जाती है और मस्से अपने आप झड़कर गिर जाते हैं। इसके अलावा मस्सों पर नेल पॉलिश लगाकर कुछ देर बाद आपको साफ कर लेनी है। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में मस्से खत्म हो जाते हैं। फांस या धागे से मस्से बांधकर 2 से 3 हफ्ते तक छोड़ दें। इससे मस्सों में खून का बहाव रुक जाता है और वह खुद ब खुद झड़कर निकल जाएगा। ये भी एक तरीका है मस्सों को निकालने का। और इसके अलावा बेकिंग सोडा और अरंडी के तेल को बराबर मात्रा में इस्तेमाल करें, इससे मस्से धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। और आखिरी जो उपाय है वह है कि थुअर का दूध और कॉर्बेलिक एसिड सावधानी पूर्वक आप मस्सों पर लगा सकते हैं, लेकिन ये उपाय थोड़ा रिस्की है। बाकी आप इनमें से कोई सा भी उपाय ट्राई कर सकते हैं अपने मस्सों को निकालने के लिए। इससे इनसे इनके प्रयोग से आपके मस्से आसानी के साथ निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी, जो कि थी खास तौर पर मस्सों से परेशान लोगों के लिए कि मस्सों को किस किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं और निजात पा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।